इंदिरा थाना क्षेत्र के ग्राम दोहर में महिला की धारदार हथियार से महिला के देवर राजू ने गलाबेद कर की हत्या। सुबह परिजनों को महिला की हत्या होने की जानकारी लगी। सुबह परिजनों ने किसी अज्ञात के द्वारा महिला पूजा कुशवाहा के गला काट कर हत्या होने के बाद पुलिस को बताई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि महिला की हत्या करने वाला कोई बाहर का नहीं, घर में ही है। एसडीओपी और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच में मामला देखा तो संदिग्ध पाया गया और मृतक महिला के देवर को शक के आधार पर धरपकड़ कर थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ में महिला पूजा के देवर राजू कुशवाहा ने हत्या करना कबूल कर लिया है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पूजा पत्नी नारायण दास कुशवाहा उम्र 30 वर्ष, 2 छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई। पति हलवाईगिरी का काम करता है, वह काम करने के लिए दतिया गया हुआ था। ससुर खेत पर थे, जब ससुर सुबह लौटा तो महिला को मृत पड़ा देखा। पुलिस को सूचना दी। सेवड़ा एसडीओपी अखिलेश पुरी, इंद्रगढ़ टीआई उपेंद्र दुबे मौके पर पहुंचकर हत्या की बारीकी से जांच की और महज 4 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर मृतक महिला पूजा कुशवाहा के देवर को गिरफ्तार कर लिया। शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट।